उमरिया कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाषगंज में किराए के मकान में रह रही एक नाबालिग किशोरी का 11 जनवरी को अज्ञात लोगों द्वारा बाजार से अपहरण कर लिया गया, जिस पर उसकी मां द्वारा 12 जनवरी को कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर अपहरण का मामला दर्ज कराया गया। कोतवाली थाने में 12 जनवरी को अपराध क्रमांक 23/2021 धारा 363 IPC का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद जब कल लड़की वापस आई तो सारा मामला पता चला कि उसके साथ आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के द्वारा गैंगरेप किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हैवानियत की सारी हदें पार कर गए ये आरोपी मात्र 14 साल की इस मासूम को बाजार से बहला फुसला कर अपने साथ ले गए, फिर जिला मुख्यालय स्थित एक ढाबे में हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए सामूहिक दुष्कर्म किया। इतने के बाद भी उनकी हैवानियत नहीं रुकी और हैवानियत के लिए दूसरे युवकों को भी सौंप दिया, जो अलग अलग जगहों और सुनसान इलाकों में उसे अपनी हवस का शिकार बनाते रहे। किसी तरह से मासूम इन दरिंदों के चंगुल से आज़ाद होकर अपने परिजनों को घटना से अवगत कराया, फिर परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी की तलाश की जा रही है। वो एक मरिया की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ कुछ लोगों ने मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया, जिस पर से कोतवाली उमरिया में तत्संबंधी धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उसमें से छह आरोपी हिरासत में लिए जा चुके हैं, एक आरोपी फरार है और उसकी विवेचना संजीदगी से की जा रही है। सर, वो कितने समय घर से गई निकली थी, वो किस तारीख में निकली थी? ये 4 तारीख को वो लड़की गई थी लगभग दोपहर में, तो उसके बाद ही लगता है। और घर वालों ने सूचना कब दर्ज कराई उसकी गुम चुकी थी? ये सूचना हुई है 11 तारीख को। मामला सुनने में अलग अलग जगह ले जाया गया था, ये कहना सही है? जो भी होगा वो जांच के दायरे में सारी बातें रखी गई हैं, जैसे भी जांच में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, लगभग इसमें कितने आरोपी हैं? 7 7